प्यारे बच्चों, मैं दीपा वर्मा अभिषा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस के इस ई लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप लोगों के सामाजिक विज्ञान का पेपर कल है और लगभग मुझे मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। बस कुछ जगह आप अटक रहे हो सकते हैं, या तो आपको डर लग रहा होगा कि तैयारी कैसे करनी, क्या करनी है ना। और मैं आपसे सॉरी भी, क्षमा भी मांगूंगी कि मैंने कहा था कि कल वीडियो आएगा, लेकिन वीडियो आ जा रहा है। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से क्या हुआ, हमारा वीडियो कल अपलोड नहीं हो पाया, ठीक है। इसलिए क्या है, ये आज 16 तारीख को अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों देखो, डरने की कोई बात नहीं है कि भाई कैसे पढ़े क्या पढ़े। आप लोगों ने साल भर तैयारी की है ना, और इन पूरे पिछले दिनों में 1.5-2 महीनों में बहुत लग के तैयारी की है। तो ये मत डरो कि क्या तैयारी हुई, कितनी तैयारी कैसे हुई है। आपने जितना पढ़ा उस पर विश्वास रखो। और दूसरी बात, सामाजिक विज्ञान पेपर क्या है, आपकी सोच है ना, वो समाज के में आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं उसी को लिखना होता है। तो इसमें ये मत सोचो कि ना ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। आपने जितना पढ़ा, पहले भी पढ़ा होगा, उसको बस क्या रिकॉल करने की ज़रूरत है। और वो रिकॉल आपने कर लिया तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आपके साइंस के पेपर भी बहुत अच्छे गए हैं, मैथ्स के पेपर, सभी सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे गए हैं। तो मैं ये भी मान के चल रही हूँ सामाजिक विज्ञान भी बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं है, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा कल। जितना किया है उसमें बहुत ज़्यादा फोकस रखो, ठीक है। हमारा क्या छोटा था बच्चों, 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन के, जो मैंने बताया था कि मैंने कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, वो छोटा था। तो पहले आज हम क्या करेंगे, अभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो भी हो सकते हैं आने की उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों 3 मार्क्स से कितने क्वेश्चन होंगे हमारे, 4 क्वेश्चन होंगे। मतलब ये क्या है, 12 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और इसमें कितने, 50 शब्दों में, मतलब आपको 5 से 6, ज़्यादा 7 लाइन तक आपको क्या है अपने आंसर्स को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है, क्या आपको जितनी चीज़ें पूछी गई है उसी को 5 से 6 लाइन में बता के खत्म करना है। ये मत सोचो, हर बार बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा लिखना है, नहीं, जितना पूछा गया है और जितनी शब्द सीमा दी गई है उतने पे ही आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो उतना ज़्यादा पढ़ो मत, जितनी चीज़ें पूछी है भैया अंतर पूछा है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब समझ लो 3 अंतर, 10 अंतर लिखना भी नहीं है, सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है मतलब 3 ही अंतर लिखना है। और वो 3 अंतर एक एक लाइन का भी होगा ना, हम नंबर मिलेंगे क्योंकि आपने 3 चीजें बता दी बस, ठीक है। तो उसी तरह का आपको आंसर लिखना है। चलो हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखना। पहला प्रश्न क्या है बच्चों, पढ़ो। जनगणना में कौन कौन से आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, कौन कौन से आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं भाई, कि वहां की जनसंख्या कितनी है, कौन कौन से कौन कौन से लोग, महिला पुरुष की संख्या क्या है, पढ़े लिखे कितने लोग हैं, मतलब साक्षर क्या है, अलग अलग आयु समूह के लोग क्या है, तो ये सब चीज़ें। तो जनगणना का आप जब पढ़ते हो तो आपने सब पढ़ा, क्या पढ़ा, लिंगानुपात पढ़ा, कौन सी जगह जनसंख्या क्या है, महिला पुरुष कितने होते हैं, कितने साक्षर है, यही सब चीज़ें। तो उसी पॉइंट्स का क्या आपको लिस्टिंग करनी है, ठीक है। तो क्या क्या लिखेंगे भाई, भारतीय जनगणना में लोगों की कुल संख्या, महिलाओं पुरुषों के अनुपात, इसी को क्या कहते हैं हम, लिंगानुपात बोलते हैं, पढ़े लिखे लोगों की संख्या, मतलब क्या है आपको साक्षरता दर बतानी है, अलग अलग आयु समूह के लोगों की संख्या, कितने लोग किस तरह के पेशे में हैं, मतलब रोजगार है, किस तरह के कार्य करते हैं, कितने लोग एक जगह से दूसरे जगह अलग अलग कारणों से प्रवास करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताना है। तो ये क्या 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 पॉइंट, आधे आधा आधा करके आपको क्या है 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, किसी देश की जनसंख्या में युवा वर्ग के लोग ज़्यादा हैं तो उस देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी। जहाँ युवा वर्ग ज़्यादा होंगे तो मतलब क्या आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा क्या कार्यशील जनसंख्या, ठीक है। तो कार्यशील जनसंख्या क्या है, पहले जनसंख्या को कितने भागों में बांटते भाई, बालक, युवा और वृद्ध, ठीक है। बालक में 15 वर्ष तक आते हैं, युवा में 15 से 59 वर्ष और वृद्ध में 60 वर्ष से अधिक, क्या है। तो युवा वर्ग क्या है हमारी सबसे सर्वाधिक क्या है कार्यशील जनसंख्या होती है। तो आपको आता है क्या बोलते हैं युवा वर्ग के बारे में या कार्यशील जनसंख्या के बारे में, तो पहले आपको ये बताना है कि जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा जाता है, बालक वर्ग, युवा वर्ग, वृद्ध वर्ग, जिसमें से सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कौन सी होती है भाई, युवा वर्ग की, क्योंकि ये क्या है एक ऊर्जावान होती है और यही सबसे सर्वाधिक रोजगार कार्यों में लगी होती है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना होगा, ठीक। तो प्रश्न क्या है, सर्वाधिक कार्यशील वर्ग कौन सा है, युवा वर्ग, जिनकी वर्ष क्या होती है 16 वर्ष से 15 वर्ष से 59 वर्ष तक, ठीक है। इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, क्या भैया अगर जनसंख्या की पता चलती है कि कौन देश की जनसंख्या कितनी है, किसी शहर किसी राज्य की जनसंख्या कितनी है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि भाई उस वहाँ कितने विकास कार्य किए जाने चाहिए, कितने लोगों को खाद्यान्न पूर्ति करनी है, कहाँ पे अगर लिंगानुपात कम है तो कहाँ पे बेटी बचाओ प्रोग्राम चलाना है, शिक्षा दर कम है तो वहाँ महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना है ना, कहीं अगर लोग बिहार से या छत्तीसगढ़ आ रहे हैं या छत्तीसगढ़ के लोग दूसरी जगह काम कर जा रहे हैं तो उनका पलायन क्यों हो रहा है, तो उनके लिए क्या क्या नियम, तो ये सब चीज़ें क्या है जनगणना आंकड़े हमें महत्व देते हैं, ठीक है। मतलब जनगणना आंकड़ों से हमें ये सब की जानकारी मिलती है। तो आप आंसर क्या क्या लिख सकते हैं भाई, किसी देश में देश के विकास एवं उसके भविष्य की नीतियों के निर्धारण के लिए देश के नागरिकों की सही संख्या का पता होना बहुत जरूरी है।
नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के प्रमाणिक आंकड़े सरकार की मदद करते हैं, अतः भारत में प्रत्येक 10 साल में जनगणना की जाती है। शिक्षा का स्तर जानने के लिए, कार्यशील जनसंख्या ज्ञात करने के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य लोगों का पलायन जानने के लिए, रोजगार की स्थिति जानने के लिए, इन सब के लिए क्या है, हम क्या करते हैं, जनगणना के आंकड़े लेते हैं, जो क्या है अलग अलग विकास कार्यों में लोग हमारे सरकार की व देश की मदद करता है। इस तरीके से क्या है, आपको 4 से 5 पॉइंट लिखना है। देखो क्या करना, पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना, हमेशा क्या करना बुलेट पॉइंट्स में 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखना। ऐसे लिखोगे तो अच्छा लगता है कि हाँ ये चीजें आपने पैराग्राफ लिख दिया ना, उसमें क्या 2 से 3 चीजें समझ आएगी, काम की चीजें। वहीं आपने अगर 4 से 5 पॉइंट लिखा है, मतलब 4 से 5 चीजें अलग अलग बताई है ना, 4 से 5 लोगों का नाम बताया है, एक ही लोगों के नाम को 10 बार नहीं लिखा है, आपने 4-5 लोगों का नाम अलग अलग बताया है, मतलब आप उतनी चीजें जानते हो, इसलिए क्या करना है आपको बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। मानव अधिवास को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों के नाम बताइए। या तो वो डायरेक्ट एक कारक को बोलेगा उसके बारे में, तो आपको डायग्राम बनाना होगा। 3 कारक बोला है मतलब उसके क्या है, नाम लिख के उसके बारे में बता के डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो भाई कौन-कौन से होते हैं, रेखीय प्रतिरूप, इस प्रकार के प्रतिरूप बहुधा मार्ग, रेल मार्गों, सड़कों, नदियों के किनारे आते हैं। आयताकार प्रतिरूप, कृषि जोतों के चारों ओर ऐसे प्रतिरूप पाए जाते हैं, सड़क आयताकार होती है, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में अधिवास मिलते हैं। वर्गाकार प्रतिरूप, ऐसे अधिवास मुख्यतः पगडंडियों, सड़कों के मिलन स्थल से संबंध होते हैं। वृत्ताकार प्रतिरूप, ऐसे प्रतिरूप अधिवास में सघन आबादी के कारण आवासीय इकाइयां बहुत अधिक सटकर बसी होती हैं। ठीक है, आपको क्या है डायग्राम बनाते जाना है। फिर आर्य प्रतिरूप, ठीक है, तो इन 5 प्रतिरूपों को अच्छे से देख लो, हो सकता है 2 का नाम दे दे, 1 का नाम दे दे, या किन्हीं थी, तो आपको जो 5 प्रतिरूप दिए हैं उसे क्या है एक बार बुक से जाकर नाम देख लो और डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लो बच्चों। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। एक उपनिवेश और स्वतंत्र देश के बीच क्या क्या अंतर होती है। उपनिवेश मतलब क्या है भाई, जिसके ऊपर कोई दूसरा देश राज कर रहा हो। जैसे पहले क्या था, भारत के ऊपर कौन काम कर रहा था, कौन राज कर रहा था, ब्रिटिश। स्वतंत्र देश क्या है, अभी हम क्या है स्वतंत्र है। पहले हमारी नीतियों का निर्धारण कौन करता था, ब्रिटेन करता था, लेकिन अब क्या है, हम नीतियों का निर्धारण करने में स्वतंत्र है। हम अपनी आर्थिक सामाजिक जो भी है, हम अपने संसाधनों का प्रयोग अभी खुद कर सकते हैं। लेकिन उपनिवेशवाद होते हैं तो क्या होता है, जो हमारी मातृराष्ट्र होता है, जैसे भारत का क्या है ब्रिटेन, तो उसने क्या किया, वो निर्धारित करता था कि हमारे संसाधन कहाँ जाएंगे, क्या आर्थिक नीतियाँ होंगी, क्या उनके कार्य होंगे। तो इस प्रकार से क्या है, उपनिवेशवाद और स्वतंत्र राष्ट्रों में अंतर होता है। तो आप वो उतनी चीज़ें तो जानते हो है ना, तो उसको लिखोगे कैसे कुछ पॉइंट्स में। ठीक है, 3 दिया है मतलब 3 क्या है, आप उपनिवेशवाद के बारे में बता दो, 3 स्वतंत्र भारत के बारे में बता दो। ठीक है, तो भाई देखो, जो देश उपनिवेशवाद होता है वहाँ की जनता का आर्थिक मानवीय शोषण औपनिवेशिक सरकार करती है। उपनिवेशों की जनता को ना तो सरकार चुनने का स्वतंत्र होता है और ना ही उन्हें अपने देश के संसाधनों पर अधिकार होता है। ठीक है, उपनिवेशवादी देश अपने उपनिवेश के साधनों का दोहन करते हैं तथा वहाँ के लोगों का भी शोषण करते हैं। उपनिवेश में रहने वाले लोगों की भाषा संस्कृति को नष्ट करके ऊपर संस्कृति विदेशी संस्कृति थोपी जाती है। जब हम उपनिवेशवाद थे तो ये सब चीज़ें हमारे साथ हुई, तो इतनी चीज़ें आपको बतानी है। फिर क्या बताना है आपको, स्वतंत्र देश क्या होते हैं भाई। स्वतंत्र देश किसी बाह्य नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त होते हैं। देश के संसाधनों पर देश की सरकार और जनता का ही नियंत्रण होता है। स्वतंत्र देश की सरकार अपनी आंतरिक और बाह्य नीति बनाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र देश आंतरिक व्यवस्थाओं में किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं होता है। ये चीज़ें आपको बतानी है। एक बार उपनिवेशवाद की चीज़ें 3 पॉइंट लिख दो, उसके स्वतंत्र देश की 3 पॉइंट लिख दो, इससे क्या होगा आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ो बच्चों। भूमि सुधार आंदोलन का वियतनाम पर क्या महत्व था। ठीक, वियतनाम पर क्या महत्व था, अथवा वियतनाम और इंडोनेशिया की स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों पर टिप्पणी लिखी। मतलब आपको किसके बारे में बात करना है, भूमि सुधार के बारे में बात करना है। ठीक है, भूमि सुधार क्या देखा था, वियतनाम में भी हुआ था, इंडोनेशिया में, तो आपके उसके आंसर लिखने। तो फिर क्या लिखोगे, वियतनाम का विभाजन किया गया और उत्तर वियतनाम पर साम्यवादियों का अधिकार हुआ और दक्षिण पर क्या हुआ, अमेरिका वाले इलाके में पुराने राजा के शासक बनाया गया। उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी प्रभाव था। ठीक है, वियतनाम का जो स्वतंत्र हुआ तो क्या वो 2 भागों में बटा था, एक उत्तरी वियतनाम दक्षिण, तो क्या वहाँ क्या हुआ, भूमि सुधार हुए। ठीक, तो क्या लिखेंगे भाई फिर आप, यहाँ विस्तृत भूमि सुधार कार्यक्रम अपनाया गया। इसके तहत यहाँ जमींदारी प्रथा समाप्त करके भूमि जोतने वाले किसानों को जमीन का मालिक बनाया गया और हर किसान को कितनी जमीन रख सकता है उसकी सीमा बांध दी गई। इन सुधारों का नतीजा यह हुआ कि सदियों बाद वियतनाम के गरीब किसान और भूमिहीन मजदूर जमीन के मालिक बन पाए। ये कि सदाप वियतनाम के सबसे बड़े मजदूर समर्थक हो गए। आपको यहाँ पे क्या वियतनाम के बारे में बताया। ठीक है, तो वही चीज क्या थी, इंडोनेशिया में। तो आपको क्या इस तरीके से ये क्वेश्चन आएगा, तो आपको इसमें क्या है वियतनाम और इंडोनेशिया दोनों के बारे में 3 से 4 लाइन लिखना होगा। ठीक, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या समानताएं और अंतर थी।
तो क्या है आपको तीन दोनों में समानताएं बतानी होगी, तीन अंतर बतानी होगी। ठीक है, मैंने बताया ना आधे आधे पॉइंट के, तो तीन नंबर का है तो तीन आप समानता बता दो, तीन अंतर बता दो। ठीक, चलो समानता पढ़ो। दोनों ही देशों में स्वतंत्रता आंदोलन का उदय साम्राज्यवाद विरोध हुआ था, क्योंकि दोनों ही देशों पे क्या है कोई अन्य देश आकर क्या कर रहा था, साम्राज्यवाद का मतलब उपनिवेश बना के वहां का संसाधनों का उपयोग कर रहा था। दोनों ही देशों स्वतंत्र आंदोलन में जनता ने अपने बलबूते पर विदेशी शक्तियों का विरोध किया, है ना। ये बाहर से कोई नहीं आया हमारी लड़ाई लड़ने के लिए, भारत वालों ने भारत के लोगों ने लड़ाई की, अफ्रीका में भी क्या अफ्रीका के लोगों ने लड़ाई की अपनी स्वतंत्रता के लिए। ठीक, दोनों देशों के स्वतंत्र आंदोलन के उदय का मूल कारण आर्थिक शोषण और औपनिवेशिक देशों के प्रति आचरण था। ठीक है, कि भाई हमारा जो आर्थिक शोषण हुआ था उसकी वजह से हम आए, और जो औपनिवेशिक देश थे वो जो हमारा शोषण कर रहे थे उसकी वजह से दोनों देशों में क्या हुई आंदोलन हुए। तो भाई ये तो समानता ही थी, अब असमानता क्या थी भाई दोनों देशों में, अफ्रीका के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों का औपनिवेशिक शासन था, जबकि भारत में क्या है केवल एक ही शासन था। अफ्रीका जैसे बटा हुआ है तो अलग अलग जगह पे क्या, कहीं पे ब्रिटेन है, कहीं पे अमेरिका है, कहीं पे अलग देश है, तो वहां पे क्या अलग अलग जगहों पे अलग अलग देश थे, लेकिन संपूर्ण भारत में एक ही औपनिवेशिक शक्ति थी, कौन थी, ब्रिटेन। ठीक है, भारत में आंदोलनों का नेतृत्व मध्यम वर्ग और शिक्षित वर्गों ने किया, जबकि अफ्रीका में स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व श्रमिकों और मजदूरों ने किया था। ठीक, भारत का स्वतंत्र संघर्ष अलग अलग जातीय क्षेत्रों भाषाओं के लोगों से ने मिलकर भाग लिया था, वहीं अफ्रीका के स्वतंत्रता संघर्ष में अफ्रीकियों ने अलग अलग देशों में संघर्ष किया, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट खुद भी क्या अलग अलग कई देशों में बटा हुआ है। ठीक, भारत सन 1947 में स्वतंत्र हुआ, वहीं अफ्रीका को बहुत दिन बाद क्या है स्वतंत्रता मिली। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या तीन समानताएं बतानी होगी, तीन क्या है असमानता बतानी होगी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में परमाणु निःशस्त्रीकरण हेतु चलाए गए अभियानों का विवरण कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या क्या बताना है भाई, इंग्लैंड एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में परमाणु निःशस्त्रीकरण हेतु शांति संगठनों का गठित किया गया, विश्व स्तर पर निःशस्त्रीकरण हेतु समितियां गठित की गई, परमाणु हथियार रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव रखा गया, परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध करने के लिए सख्त कानून बनाने पर जोर दिया गया, और क्या अलग अलग कमेटियां बनी गई, जैसे अब ब्रिटेन में क्या है 100 कमेटी बनी। तो क्या आपको इस तरह से एक दो चीजें और लिखकर क्या है इस आंसर को लिखना होगा। ठीक, चलो आगे आ जाओ, पढ़ो भाई क्या क्वेश्चन लिखा है। शीत युद्ध में परमाणु शस्त्रों की क्या भूमिका थी, परमाणु शस्त्र क्या, शीत युद्ध में क्या है हम युद्ध नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ क्या कर रहे थे इक्विपमेंट्स क्या है जो हमारे शस्त्र थे वो बना बना के रख रहे थे कि कभी भी युद्ध होगी। शीत युद्ध क्या था, युद्ध होने की स्थिति पैदा करना, आंतरिक तनाव पैदा करना, संघर्षपूर्ण माहौल पैदा करना कि हर देश के साथ दूसरे देश का मैत्री कर रहा है, उसको एक गुट कर रहा है, दूसरा दूसरे गुटे बना रहा है, उसके अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए क्या अलग अलग परमाणु बना रहा है। तो वही है शीत युद्ध में, शीत युद्ध हुआ नहीं, युद्ध हुआ नहीं लोगों ने, लेकिन अलग अलग देशों ने क्या किया परमाणु हथियार बनाकर रखना शुरू कर दिए, वही क्या था शीत युद्ध कहलाया। ठीक है, तो शीत युद्ध में अमेरिका व सोवियत संघ अपने अपने पक्षों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, किसी देशों को अमेरिकी सैनिक सहायता देता था तो उसके दुश्मन देशों को सोवियत संघ सहायता देता था। वही जैसे अमेरिका किसको पाकिस्तान को मदद कर रहा था, तो उधर से रशिया क्या है चाइना को, फिर भारत को अपने खेमे में शामिल कर रहा था। ठीक, सबसे अधिक खतरनाक तो दोनों देशों के बीच शस्त्र प्रतिस्पर्धा थी, यह जानते हुए कि परमाणु युद्ध में किसी भी की जीत नहीं होती है, रूस अमेरिका यही प्रयास करते रहे कि दूसरे देशों के परास्त करने के लिए और घातक हथियार बना सके। ठीक है, इन्हें उन्होंने विश्व भर में अपने सैनिक संगठन तैनात कर रखा था और पूरी दुनिया के परमाणु हथियार के निशाने पर थे। मतलब क्या था, जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने गुट में शामिल किया तो वो क्या किया अपना परमाणु हथियार पाकिस्तान में भी ला के रख दिया, अगर वो श्रीलंका में अपना अधिकार जोड़ गया तो श्रीलंका में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगला क्या है निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों है। तो निःशस्त्रीकरण क्या है भाई, जो परमाणु हथियार बन रहे हैं उनकी जो बनाने की प्रक्रिया है उसी को कम करना, ये जो बन चुके हैं उसको नष्ट करना, वही क्या है निःशस्त्रीकरण। ठीक है, तो भाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, पहले तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ अमेरिका ने क्या किया था हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम उठाए गिराए, उसके बाद क्या हुआ भाई उसका विध्वंस तक सब देख चुके थे, लेकिन अब देश समझ गए भैया अगला युद्ध होगा तो हमें उतनी ही क्या है उतने पावर में आना पड़ेगा कि भाई वो हमारे यहाँ परमाणु बम गिराए तो हम भी उसके यहाँ परमाणु बम गिरा सके। तो लोगों ने क्या किया अलग अलग टाइप के क्या है परमाणु युद्ध तो युद्ध के लिए तैयारी शुरू कर दी, अलग अलग शस्त्र बनाने लग गए, मिसाइल्स बनाने शुरू कर दी, लेकिन एट लास्ट क्या है ये तो घातक ही है ना, चाहे आप अपने देश पे गिराओ या दूसरे देश पे, आपके देश पे गिरे दूसरे, जनधन की हानि होनी है, जनता का ही वहां पे विनाश होना है, पूरे देश के विकास कार्य रुकेंगे। तो इसी चीज को समझते हुए क्या किया लोगों ने निःशस्त्रीकरण के लिए बात कही कि भाई जो शस्त्र बन रहे हैं उसको रोका जाए, तो इसीलिए क्या है विश्व स्तर पर इसकी भावना उठी। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से जिस दर्दनाक बमबारी से हुई उसने विश्व के लिए एक नई समस्या उत्पन्न कर दी,
युद्ध का अंत हुआ किंतु निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता बनी रही। इसके बाद निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता निम्न कारणों से निम्नलिखित है। विश्व स्तर पर परमाणु बम जैसे खतरनाक हथियारों पर पाबंदी लगाने के लिए, मानव सभ्यता के विकास और शांतिप्रिय समझौते के लिए, विश्व स्तर पर युद्धों को रोकने के लिए, भारत जैसे शांतिप्रिय विकासशील देशों ने इसका खुलकर समर्थन किया। क्योंकि भाई अगर हर देश उसकी परमाणु चीजों पर पैसा लगाएगा तो देश का विकास कहाँ कब करेगा, और अगर किसी देश में एक बार परमाणु गिर गया तो उसको कई साल लग जाते हैं उसको वापस खड़े होने में। इसलिए क्या, अगर मानव विकास करना है, हमें देश का विकास करना है, तो परमाणु चीजों को क्या होगा, ऐसी विध्वंसक चीजों को क्या होगा, हमें दूर रखना होगा। ठीक, इसी निःशस्त्रीकरण के बल पर तीसरे विश्व युद्ध को रोका जा सका। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी निःशस्त्रीकरण का अनुमोदन किया, विश्व शांति हित में किया। ठीक है, तो आपको क्या है आवश्यकता इस तरीके से बतानी होगी। ठीक, चलो अगले प्रश्न में आ जाओ। अब हम आ गए क्या, खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य। नेक्स्ट अपने क्या चैप्टर पे आ गए। ठीक है, देखो 3 मार्क्स के कितने 4 क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो ये सब चीजें क्वेश्चंस जितने भी करा रही हूँ वो आपके उन्हीं चैप्टर से हैं जिससे क्या है ब्लूप्रिंट में दिया है कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों को देख लो, आपको एक ओवरव्यू पता चल जाएगा कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं, पिछले सालों में किस तरीके प्रश्न आए थे। ठीक, तो खाद्य सुरक्षा बताना है भाई, तो चलो देख लेते हैं। किसी भी इंसान को जीवित रहने के लिए जितनी वायु जल की आवश्यकता होती है उतनी उसको क्या है भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक, सभी लोगों के लिए पर्याप्त पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, उसकी पहुंच और उसे प्राप्त करने की क्षमता क्या है, खाद्य सुरक्षा। मतलब भाई मेरे घर के पास भोजन मिले, ठीक है, उतना मिले कि भाई हम घर के 10 लोग खा सके, और क्या है इतनी अफोर्डेबिलिटी हो कि 10 रुपये 20 रुपये किलो चावल हो कि भाई सब खरीद सके। पता चला 1000 रुपये किलो चावल होगा तो हर कोई खरीद पाएगा क्या, नहीं। इसलिए क्या है वो उपलब्ध भी हो, पर्याप्त मात्रा में हो, और उसकी कीमत ऐसी हो कि उसके हर कोई खरीद सके। ठीक है, तो उसके ही आयाम क्या होगा, भारत में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता हो, सरकारी योजनाओं द्वारा खाद्य पदार्थों की पहुंच की जाए, बाजार और क्रय शक्ति, मतलब बाजार में वो उपलब्ध भी हो और क्रय शक्ति इतनी और उसकी इतनी प्राइस हो कि हर कोई उसको खरीद पाए। जहां जिन लोग खरीद नहीं सकते उनके लिए क्या सरकार योजनाओं के द्वारा उनको खाना पहुंचाए, और भारत में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता हो कि खाद्य की कमी नहीं हो। खाद्य की कमी होगी मतलब क्या होगा, उसके प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेंगे तो क्या है फिर क्रय शक्ति कम होगी, मतलब लोग क्या है खाना खरीद नहीं पाएंगे। इसलिए क्या है ये खाद्य सुरक्षा के 3 आयाम है। ठीक है, तो आएगा तो आप इतना भी लिखोगे तो आपके क्या है पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों है, इसके 2 कारण लिखिए। संतुलित आहार पहले क्या है आपको 1 नंबर में ये बता देना है। तो क्या है भाई, संतुलित आहार हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, इससे शरीर को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, फल सब्जियां दूध मांस अंडा सब आदि क्या है संतुलित आहार में आते हैं। इसलिए क्या अभी हमारे स्कूलों में क्या है सरकारी स्कूल में मध्यान्ह भोजन चलाया जाता है जहाँ आपको अलग अलग पौष्टिक चीज़ें दी जाती है, सब्जियों में अच्छी अच्छी अंडा वगैरह भी बांटा जा रहा है, दूध दिया जाता है। तो यही कि आपके क्या संतुलित आहार, ताकि आपके जो मानसिक और शारीरिक विकास है उसको देखा जाए। जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी क्या है आप अच्छे से पेपर दे पाएंगे। ठीक है, जैसे अगर अभी आपका अगर किसी के बीमार हो या किसी वजह से थकावट हो रही है, रात रात भर जग रहे हो, तो आपके स्वस्थ हो क्या मानसिक रूप से, नहीं। आपने ज़्यादा पेपर का टेंशन ले लिया, अरे पेपर ऐसा गया वैसा गया कैसे आएगा, तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो क्या, नहीं। तो आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे क्या, नहीं। इसलिए क्या खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अच्छा खाने की। इसलिए आपको हमेशा मैं बोलती हूँ पेपर के टाइम अच्छा खाओ, सही टाइम में सो, अपने पूरे रूटीन के साथ चलो। ये नहीं रात भर पढ़ दिए, अगले दिन पेपर में जाके सो गए तो पर चला खाना पीना छोड़ दिया, पेपर के दिन कमजोरी आ गई तो। इसलिए खाना भी बहुत ज़रूरी है, सोना भी ज़रूरी है, और अपने शरीर को स्वस्थ रखना। इसलिए क्या आधे 1 घंटा क्या वॉक करो, घूमो फिरो, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए ऐसी खेलने निकल जाओ, तो शारीरिक और मानसिक विकास संतुलित आहार हर वक्त जरूरी होता है बच्चों। ठीक है, तो देखो इससे व्यक्ति की कार्य क्षमता विकसित होती है, संतुलित आहार से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, संतुलित आहार से मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। तो आपको क्या है इतनी चीजें 3 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखनी होगी। चलो आगे आ जाओ। अनाज की समस्या को कैसे दूर की जा सकती, कैसे की जा सकती है, सिंचाई सुविधा ज़्यादा उपलब्ध कराओ जिससे ज़्यादा उपलब्ध ज़्यादा अनाज हो, किसानों को किसानी कार्य के लिए सुगमता ऋण प्रदान किया जाए ताकि भाई किसान अच्छे इक्विपमेंट खरीद पाए, उर्वरक खरीद पाए, कीटनाशक खरीद पाए, जैसे क्या वो ज़्यादा अनाज उगाए। अनाज के आयात में भी अनाज की कमी को दूर किया जा सकता है, क्या अगर हमारे यहाँ लग रहा है कि दाल की कमी हो गई है तो क्या अगर दूसरे देशों से दाल मंगाई जाए, इस तरीके से क्या है जो अनाज की कमी है उसको हम दूर कर सकते हैं। ठीक, चलो आगे आ जाओ। PDS के संचालन हेतु FCI, PDS मतलब क्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो हम लोगों को राशन दुकानों में मिलता है ना 10 रुपये किलो चावल, 20, 15 रुपये, 1 रुपये, वही क्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो FSCI क्या करती है भाई, FSCI क्या है जो हमारे यहाँ किसान जो है अपना धान बेचते हैं तो उन्हीं धानों अनाजों को खरीदती है और एक स्टॉक बना के रखती है, और उसी फिर उसी के द्वारा क्या है अलग अलग जगह जाके क्या है वो हमें क्या है राशन दुकानों के द्वारा अनाज उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली और FSCI क्या है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक, चलो इसका आंसर देखो।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश के अधिकांश जरूरतमंदों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से रियायती दर पर क्या है खाद्यान्न जैसे चावल गेहूं शक्कर चना नमक मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जाता है। सभी वस्तुएं पात्र परिवारों को राशन कार्ड के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, तो आपको ये चीजें ठीक है यहाँ पे बतानी होगी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, FSCI क्या करती है, इन दुकानों में खाद्यान्नों की उपलब्धता भारतीय खाद्य निगम FSCI के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। FSCI अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों से के किसानों से गेहूं धान सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदता है। ठीक है, तो FSCI क्या करता है, किसानों से जो उनके अनाज उगाए हैं उसको खरीदता है, फिर क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन दुकानों में उसको ले जाके देता है, फिर उनके द्वारा क्या है वो हमें 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये किलो चावल में क्या है मिलता है। तो यही क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली में FSCI की भूमिका होती है। ठीक है, तो इस चीज़ों को आपको लिखना होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। देखो ये प्रश्न नहीं है लेकिन क्या छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा नियम आ सकता है, राशन दुकानें हमारे चल रही है, राशन कार्ड हमारे यहाँ भी है, 10 रुपये 1 रुपये किलो चावल हमारे यहाँ, तो क्या छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा नियम आ सकता है। तो भाई ये कब शुरू हुआ था, 2012 में। पूरे भारत में ये लागू कब हुआ था भाई, 2013 में, लेकिन उससे पहले ही भारत क्या छत्तीसगढ़ में लागू हो चुका, इसलिए क्या है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में कुछ दो तीन लाइन लिखना है, अगर हो सकता आ गया तो। छत्तीसगढ़ राज्य में लोगों के खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 पारित किया गया। ठीक, जिसमें कहा गया कि राज्य के निवासियों के लिए खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा और अक्षय आहार की अन्य आवश्यकताओं की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। तो इसी तरह से क्या है छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना था। ठीक, चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। अपने शब्दों में उदारीकरण को बताइए। उदारीकरण क्या है भाई, कि काम की चीजों में हमको छूट दे देना, मतलब नियमों को ढील करना सिंपल शब्दों में। ठीक है, तो अच्छे शब्दों में पढ़ लो भाई, विदेशी व्यापार निवेश पर से अवरोध और प्रतिबंधों को हटाना। ठीक है, मम्मी पापा आपको घूमने जाने दे रहे थे, ठीक है, एक बहुत दिन से पापा आप मम्मी पापा आपको कहीं बाहर जाने देते नहीं है, लेकिन अचानक बोलते हैं आपने गए पापा मैं 2 दिन बाद अपन सहेली से घूमे जाता हूँ, ले जा कहीं नहीं हो, अचानक पापा कैसे बदल गया, अत्ते कैसे एकदम मस्त उदार हो गए। वही है उदारीकरण, कि आपको जो प्रतिबंध लगे हैं आपको जो रिस्ट्रिक्शन है उसे कोई हटा देना। वही क्या है व्यापार में भी, कि भैया कोई बाहर का काम नहीं कर सकता, उसको आना है तो ऐसा आएगा ऐसा काम करेगा, उस सब नियमों को खत्म कर देना, तो कोई भी आके अच्छे से फैक्ट्री लगाएगा यह निवेश करेगा, तो उसी से क्या है उसी को क्या हम क्या कहते हैं उदारीकरण। ठीक, हटाना ही उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण की नीति के कारण उत्पादक स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं, उत्पादकों पर सरकार का नियंत्रण कम हो जाता है, वे उत्पादन प्रक्रिया विक्रय सभी मामलों में स्वतः निर्णय ले सकते हैं, उसे ही उदारीकरण कहते हैं, जो क्या है देश के विकास में बहुत जरूरत होती है। ठीक है, तो आपको इस तरह से क्या है उदारीकरण के बारे में लिखना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वैश्वीकरण का सर्वाधिक दुष्परिणाम भारत के किस क्षेत्र में पड़ा, सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पड़ा भाई, कारीगरों के, निम्न कारीगरों के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को लिखना है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं वैश्वीकरण, मतलब एक देश की चीज़ें दूसरे देश आना, यहाँ की चीज़ें दूसरे देश जाना, यही क्या है हमारा वैश्वीकरण है। ठीक है, अधिक से अधिक वस्तुएं सेवाएं निवेश प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। वैश्वीकरण के सर्वाधिक दुष्परिणाम भारत में निम्नांकित क्षेत्रों में देखे गए। पहला क्या है, सस्ती दर पर कारीगरों के से माल लिया जाता है और उसको क्या है फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। प्रतिस्पर्धा ने कुशलता को किनारे कर दिया, मतलब क्या है जो हाथ से अच्छे खासे मशीन काम बनते थे, साड़ियाँ बनती थी, कलाकारी होती थी, उसको क्या है मशीन ने रिप्लेस कर दिया। अब आप हाथ से बनाओगे तो वो 100 रुपये क्या है 1000 रुपये 2000 लगेगा, लेकिन मशीन ने उसको 100 रुपये में बना दिया, तो क्या कुशल कारीगरों की कमी हो, मतलब क्या है उनकी कुशलता चली गई। ठीक, विदेशी व्यापार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नियंत्रण में चला गया। अब क्या है हमारे पहले छोटे काम क्या थे अलग अलग जगहों पे होते थे, यूपी में कारखाना चल रहा है, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, लेकिन क्या है अब MNCs आई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लाई, तो क्या छोटे छोटे व्यापार पूरी तरह से खत्म हो गए। औद्योगिक विकास के कारण पर्यावरण असंतुलन हो गया, अब बड़े बड़े फैक्ट्री लगेंगे तो उनसे उतना प्रदूषण भी तो होगा, तो इस कारण क्या है वैश्वीकरण के क्या है बहुत सारे हमें दुष्परिणाम भी देखने को मिले। ठीक, चलो आगे आ जाओ। वैश्वीकरण से छोटे उत्पादकों को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो क्या है भाई छोटे उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाए, अपने श्रमिकों को कम लागत पर रखकर माल कंपनी को सस्ती दर पर उपलब्ध कराया। ठीक है, क्योंकि उनके माल बिक ही नहीं रहते, तो क्या हुआ भैया जो उसको रोज 300 रुपये 400 रुपये रोजी देते थे, अब उसके पास काम नहीं है तो उसको क्या 100 रुपये रोजी दिया, अब अपने माल को जो 1000 2000 में बेचता था तो अब क्या करेगा कंपनियों को 500 रुपये में 600 रुपये में, तो उससे क्या उसको घाटा होगा। ठीक, श्रमिकों को स्थायी तौर पर रखने से उनकी मजदूरी बढ़ती है, इसलिए अब स्थायी रोजगार मिला देना पड़ा, क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति आपके यहाँ बहुत दिन तक काम कर रहा है तो क्या है आपको उसको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, इसलिए क्या है हर थोड़े दिन में नए नए लोगों को लाया गया। छोटे उत्पादकों को सामने कच्चा माल श्रमिक प्रतिस्पर्धा सभी चुनौतियों का एक साथ उत्पन्न हो रही थी, कि भाई कच्चा माल कैसे लाए,
उसको बेचे कैसे, मार्केट में बड़े कंपनियों से टिके कैसे, तो ये सब क्या है जो छोटे उत्पादक है उनको क्या है बहुत सारी परेशानियां हुई। ठीक, अगला क्वेश्चन पर जाओ, आयात और निर्यात कर में अंतर। आयात कर क्या होता है भाई, जो दूसरे देशों से चीजें आती हैं हमारे यहाँ वो आयात होता है, निर्यात कहते हैं जो हमारे देश से दूसरे देश जाती है वही क्या निर्यात कर। तो दोनों में अंतर क्या होगा भाई, जो वस्तुएं दूसरे देशों से व्यापारिक उद्देश्य से मंगाई जाती है उन वस्तुओं पर यदि सरकार द्वारा कोई कर लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, आयात कर। भारत में यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। ठीक, किसी भी तरह से उत्पादकों को बाहर के लिए बाहर बेचने के लिए लगाया जाने वाला कर का है निर्यात कर। ठीक है, तो यही क्या है आपको अंतर लिखने होंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, विश्व व्यापार संगठन क्या है और यह कब और क्यों स्थापित किया, मतलब क्या है WTO के बारे में बताना है। तो WTO क्या है भाई, एक अंतर सरकारी संगठन है जो भाग लेने वाले देशों के बीच व्यापार समझौतों पर बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करता है। मतलब जैसे आपके यहाँ एक मंच पैदा होगा जहाँ आपके हर क्लास के 2-3 लोग आएंगे और स्कूल में क्या क्या क्रियाएं हो सकती हैं उसके बारे में बताएंगे। उसी प्रकार क्या है विश्व व्यापार संगठन, ये क्या है जिसके देश में जो भी शामिल होते हैं इस संगठन में तो वो देश आपस में बैठते हैं और ये निर्धारण करते हैं कि भाई हमारे व्यापार कैसे होना चाहिए, कोई अगर किसी के यहाँ कुछ बन रहा है या किसी देश से कोई चीज़ें आ रही है तो उस पर कितना कर लगाना चाहिए, किस प्रकार से छूट देनी चाहिए, व्यापारिक संबंध क्या होने चाहिए, कोई एक देश नागरिक दूसरे देश काम करने जा रहा है तो उसको क्या क्या सुरक्षाएं देनी चाहिए, तो इन सब पर क्या है इस WTO में बात की जाती है। ठीक है, तो विश्व व्यापार WTO की स्थापना सन 1945 में हुई। द्वितीय विश्व महायुद्ध के समय विश्व के प्रायः सभी देशों में विदेशी व्यापार पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए थे, इसलिए क्या है WTO की स्थापना 1945 में हुई। ठीक, तो बच्चों ये क्या था हमारा 3 मार्क्स के क्वेश्चन, मैंने पूरे करा दिए। 3 मार्क्स के कितने हैं, 4 क्वेश्चन आएंगे मतलब 12 मार्क्स। तो इसमें से अगर आप 5 से 6 लाइन ज़्यादा नहीं, 5 से मतलब क्या है 50 शब्दों में लिखना है ना, 50 शब्दों में लिखना है तो क्या है 6 से 7 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं लिखना और कोशिश करना कि पॉइंट वाइज ऐसे ऐसे लिखते चलो। ठीक, इससे क्या है सामने वाले को दिखेगा कि अच्छा बच्चा इतनी चीज़ें जानता है और आपने खिचड़ बिचड़ ऐसे ऐसे लिख दिया, ठीक, तो समझ नहीं आएगा। और काटना आपको अगर नहीं गलत हो गया है तो ऐसे ऐसे नहीं काटना है, सिंपल सा एक लाइन में ऐसे काट देना। ठीक, तो 3 मार्क्स के पूरे 4 क्वेश्चन आएंगे 12 नंबर्स के, तो 12 नंबर में आपको 10 नंबर तो लाना ही है। ठीक, 10 नंबर कैसे आएंगे, हर क्वेश्चन को अच्छे से लिखो और साफ साफ लिखो और सिक्वेंस वाइज लिखते चलो। ठीक है, तो बच्चों 3 मार्क्स के क्वेश्चन जितने हो सकते थे मैंने बता दिए, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लो, जो क्वेश्चन लगता है वापस देखो और सुनने के बाद लिखने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, कल आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, तब तक क्या है अभी हम आप तैयारी करते रहो, मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।